आई इंडिया पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीतापुर के तीर्थ यात्री जो बस में सवार होकर पूर्णागिरी दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें सीतापुर में कोहराम मच गया। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताएं, यह हादसा कहाँ हुआ और सीतापुर के कौन इसमें तीर्थ यात्री सवार थे? देखिए निशांत, आपको बता दें ये बहुत ही दुखद समाचार है। सीतापुर के एक गांव से तीर्थ यात्रियों को लेकर पूर्णागिरी के लिए एक वाल्वो बस जा रही थी और ये शाहजहांपुर के खुटार पहुंची थी। यहीं पर रास्ते में एक होटल पर, ढाबा पर खाना खाने लगे, उसी दौरान एक गिट्टी लदा हुआ एक जो है उधर से वाहन आता है और वो जो है पलट जाता है इन लोगों के ऊपर और बड़ा ही भीषण ये सड़क हादसा होता है जिसमें जो है बताते हैं कि अभी तक 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। दरअसल डंपर में बजरी भरी हुई थी और ये बजरी भरा जो डंपर था वो पलट जाता है बस पर भी और ये बस को चीरता हुआ निकलता है। तो जो लोग खाना खा रहे थे ढाबे पर उनकी मौत हो जाती है और जो बस में सवार होते हैं उन पर भी जो है उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 लोगों की मौत होने की खबर है और इसमें काफी लोगों के घायल होने की भी जानकारी आ रही है, जिन्हें आनन फानन खुटार जो सीएससी पड़ता है वहां पर उपचार कराने के बाद सीधे जो राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का है वहां भेज दिया गया है। जैसे ही इसकी जानकारी जो शाहजहांपुर के जिलाधिकारी हैं उमेश प्रताप सिंह और एसपी अशोक कुमार मीणा को मिली, ये लोग देर रात वहां पहुंचे हैं मौके घटना पर जहां पर ये हादसा होता है और वहां पर बचाव और राहत का कार्य तेजी से होता है और काफी पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं उस बस में और जिसकी वजह से काफी देर लग जाती है उन्हें निकालने में। यह हादसा बताया जा रहा है कि करीब 10:30 बजे के आसपास देर रात का हुआ है, लेकिन इसकी खबर काफी देर रात गांव पहुंचती यानी सीतापुर के जहां के रहने वाले लोग थे तो वहां पर कोहराम मच जाता है और मौके पर तत्काल जो तहसीलदार सिधौली के हैं विनोद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार आलोक कुमार और कमलापुर थाना इलाका पड़ता है दरअसल जो गांव है उसका, तो वहां के जो एसएसआई हैं नरेंद्र कुमार और लेखपाल जितेंद्र कुमार, अविनाश कुमार, ये तत्काल रात में ही गांव पर पहुंच जाते हैं और गांव वालों को सूचना दी जाती है। हालांकि गांव वालों को तब तक सूचना मिल चुकी थी फोन के द्वारा और वहां हर कोई अपने लोगों का कुशल क्षेम जानना चाह रहा था क्योंकि जो बस है बस पर सवार जो लोग थे उनमें से करीब 75 से 80 तीर्थ यात्री बताए जा रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बस खचाखच भरी हुई थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों को चिंताएं इस बात की बढ़ जाती हैं कि कितने लोग इसमें सुरक्षित हैं, उनका क्या हाल चाल है, वो कहाँ भर्ती हैं, हर कोई जानना चाह रहा था और जिन्होंने अपनों को खोया है वो कौन कौन से लोग थे। तो जी ये जानकारी जुटाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर प्रशासनिक अमला और पुलिस के लोग देर रात गांव में ही डेरा डाले हुए हैं। आप ये समझ लीजिए 4 बजे भोर भी जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसएसआई वहां गांव में डटे हुए हैं और वो जानकारियां जुटा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हादसा कहाँ हुआ, तो शाहजहांपुर जो जनपद है उसका थाना खुटार पड़ता है, ये गोला रोड पर शनिवार रात ये हादसा हुआ है और ढाबे के बाहर जो ये बस वाल्वो जो थी जिस पर ये सवार होकर गए थे ये खड़े थे, तभी बजरी लदा डंपर जो है टकरा जाता है और बस के ऊपर ही ये पलट जाता है जिस वजह से बस में बैठे करीब 35 से 40 लोग बुरी तरह घायल हो गए, ये जानकारी आ रही है और इन्हें तत्काल खुटार के सीएससी लाया गया और इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया। तो कुल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें जी कि अब तक 11 लोगों के इस हादसे में मारे जाने की सूचना आ रही है। इसमें जिन लोगों के मारे जाने की सूचना है उनमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो
इन पर सवार थे उनमें चपेट में जो आए ये सभी, आपको ये भी बता दें थाना कमलापुर जो है वहां का एक जटहा गांव है, बड़ा जटहा और छोटा जटहा, यहां से लोग सवार होकर तीर्थयात्री गए थे। और इसमें जो लोगों के मारे जाने की सूचना है उनमें जटहा के निवासी, जो बड़ा जटहा है वहां के रहने वाले, केदारी की पत्नी 35 वर्षीय सोमोती, छोटे लाल की पत्नी छुटकी, रूपेश का 16 वर्षीय पुत्र अजीत, प्रमोद कुमार, शिवशंकर, रामदास की पत्नी 30 वर्षीय मीना देवी, थाना मचेटा के गांव घुरैनी निवासी गंगाराम की पत्नी 36 वर्षीय सुमन और पुत्र 8 वर्षीय आदित्य, इन लोगों के मारे जाने की सूचना है। और आपको ये भी बता दें निशांत, जो जी घायलों के नाम अब तक सामने आए हैं उनमें जो बस पर सवार थे उनमें बड़ा जटहा की रहने वाली सोनावती, ऋतिक पुत्र अनिल, बीरेंद्र, अवंतिका, सुशील, अमित, अजय, शिवरानी, बालकिशन, बिट्टू, आदित्य, विजय कुमार, रामू, विजय, महारानी, विकास, ये सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी तीर्थयात्री हैं जिन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। अब आपको बताना जी चाहेंगे, दरअसल जो गांव, जो इसी गांव के रहने वाला रूपेश कुमार है, जो हर वर्ष एक बस पूर्णागिरी ले जाता है, यात्री उससे ही बुकिंग कर लेते हैं, और इस बार भी रूपेश ने ही बस बुक की थी। और रात लगभग 10 बजे बस खुटार के एक ढाबे पर रुकी थी, और बस सवार लोगों ने कुछ लोगों ने नीचे उसमें से कुछ लोग नीचे उतर कर आए और कुछ लोग बसों में ही बैठे रहे। इसी बीच खुटार की ओर से तेज रफ्तार बजरी भरा डंपर आया और डंपर अचानक रोड की बाईं ओर उतरता चला गया और बस की बीच के हिस्से को चीरता हुआ घुस गया। यह हादसा इतना भीषण हुआ जिसने भी देखा वो दंग रह गया। काफी देर तक बचाव कार्य जारी रहा, खुद शाहजहांपुर के जिलाधिकारी एसपी मौके पर डटे रहे देर रात तक, और जैसे ही इसकी खबर सीतापुर पहुंची, सीतापुर में भी कोहराम मच गया। आनन फानन जो प्रशासनिक अमला था वो भी आपको बता दें कि तत्काल गांव पहुंच गया और लोगों को इसकी सूचना देने लगा और वहां से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। तो कुल जो खबर मिल रही है वो ये जानकारी अभी तक फिलहाल आ रही है, और ये जो बस नंबर थी वो UP16BT1378, ये बस संख्या थी जिससे जिस पर ये तीर्थयात्री सवार थे। और जो डंपर था जो टकराया है, जो हादसे का कारण बना, जिसने इतने लोगों की जान ली, और उसकी संख्या UP26P2131 होनी बताई जा रही है। तो कुल अभी तक की जानकारी फिलहाल निशांत यही हाथ आई है। जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो आपको जानकारी मिल रही है इसमें एक चीज और पूछेंगे कि ये जो तीर्थ यात्री थे, क्या सभी सीतापुर के थे या और भी इसमें आस पड़ोसी के जनपद के थे? नहीं, ये सारे लोग आपको बता दें सीतापुर के ही थे, और कमलापुर थाना इलाका पड़ता है, वहां का गांव है बड़ा जटहा और छोटा जटहा। जी कुछ लोग मचेटा के बताए जा रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोग इसी गांव के हैं, और ये पूर्णागिरी के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए निकले थे। इसी गांव का हमने आपको बताया जो बस को बुक करता है जी वो हर साल ले जाता था, इस बार भी ये लोग निकले थे और ये सुबह पहुंचते दर्शन करते, लेकिन इससे पहले यह हादसा हो गया, और हादसा इतना भीषण हुआ कि एक ही गांव के इतने लोगों के मारे जाने की सूचना है, उस गांव में कोहराम मचा हुआ है। अभी भी पूरी जानकारी, चूंकि देर रात हो चुकी है, ये निकल के नहीं आ रही है कि जो लोग एडमिट हैं वहां, जिनका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में जिनका चल रहा है, उनकी हालत कैसी है। और हर कोई, पूरा गांव ये जानना चाह रहा है उनकी कुशल क्षेम, कि जो लोग गंभीर हालत में वहां पहुंचे थे अब उनका उनकी हालत कैसी है, उनका कितना इलाज हो पा रहा है। तमाम ऐसी बातें हैं जो गांव वालों को परेशान कर रही हैं, और फिलहाल हर कोई ये घटना जानकर, ये हादसा जानकर स्तब्ध सा रह गया है।
बिल्कुल, ये बड़ी ही दुखद खबर है। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के थाना कमलापुर क्षेत्र के रहने वाले जो जिनमें तीर्थ यात्री थे, वो सभी लोग जो है एक प्राइवेट बस से जो है बुकिंग करा करके वो पूर्णागिरी जा रहे थे, और तभी शाहजहांपुर जनपद में खुटार पड़ता है, वहीं ये भीषण सड़क हादसा होता है और इस सड़क हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो जाती है। बाकी अन्य जो तीर्थ यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज शाहजहांपुर के जो राजकीय मेडिकल है वहां पर चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, इस घटना से जो है शाहजहांपुर के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ, और वहीं सीतापुर के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया, और जिन परिजनों ने अपने परिजनों को खोया है, यानी कि कमलापुर के जो क्षेत्र है उसमें पूरी तरीके से कोहराम मच गया है। फिलहाल सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गांव है ये? जटहा बड़ा बोलो। बड़ा जटहा। मनोज जी, ये हाँ, बताइए, ये जो यहाँ से जो दर्शन करने निकले थे, कहाँ के लिए निकले थे और कितने लोग पौड़ा निकले थे? गया, पौड़ा गया। कई लोग चार थे? पाँच बजे लगभग 80 लोग थे। कब निकले थे ये लोग? 80 लोग थे। 5-6 बजे। अच्छा, कल शाम को, शनिवार की। हाँ। कितने लोग बस में सवार थे लगभग? 80 लोग थे। तो जानकारी कैसे मिली आप लोगों को? हमारे पास फोन शाम को आया था। तो आपके घर से कौन कौन से लोग? 5-6 लोग थे। कौन कौन? हमारे पिताजी, हमारी मम्मी, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे भानोई और हमारी बड़ी सिस्टर। अच्छा, कौन एक्सपायर हो गया? पिताजी हमारे, हमारे परिवार की एक चाची थी उस पर। अरे, अजय नाम है। अजय नाम है। अजय जी, ये जटा है, बड़ा जटा है। बड़ा जटा है सर। तो क्या यहाँ से दर्शन के लोग गए थे, क्या हुआ? पौड़ा गिरो, एक टैंकर ने टक्कर मार दी बस में। कहाँ पर? गोला के आगे 10 किलोमीटर आगे। अच्छा, कल कितने लोग बस में थे? 90-85-90 लोग थे। कितने लोग गांव के थे, कितने लोग बाहर के थे उसमें? बाहर के 10-15 लोग रहे, बाकी सब हमारे बड़े जटाह की थे, सब परिवार। कौन कौन से बिरादरी के थे? रावत और यादव, दो बिरादरी हमारे गांव में। अच्छा अच्छा तो आपके घर से कई लोग गए थे? हमारे घर से उतना तो 20-25 लोग गए थे, ये जो बता गया ये भी हमारा भाई पते होता है। और खास 5-6 लोग हमारे घर से गए थे। कई लोग एक्सपायर हो गए वहाँ पे? 3 लोग खत्म हो गए। कौन कौन? मेरा भाई हमसे बड़ा है, और मेरी भाभी है, मेरा भतीजा। अच्छा, और जानकारी कितने लोगों के इस बार होने के मिली? और हमारी चाची हैं। कितने लोगों की कुल मिला के जानकारी मिली है? अरे, खत्म हो चुके हैं कम से कम 15 लोग हमारे परिवार में। ये आज 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि खुटार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो किहनिया मोड़ के पास में गोला को जो रोड जा रहा है वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। कुछ लोग ढाबे पर खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे, तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया, और जिसमें तुरंत से जब सूचना मिली थी तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ ही सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ थी, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई, जो अभी तक टोटल कैजुअलिटीज़ 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहांपुर जिला अस्पताल में भेजा गया, और लगातार उसके अंदर जो बेहतर सुविधाएँ हैं उसके संबंध में CMO और जो डिप्टी जनरल अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये सिंधोली जो कि सीतापुर में पड़ता है, जहाँ पर थाना कमलापुर है, वहाँ बड़ा जेठा गाँव को वहाँ से आ रहे थे, और बाकी घटना का असली कारण क्या है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और अभी जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं उनके घर वालों के बारे में जानकारी करके उनको बताया जा रहा है, और सभी को निकाल लिया गया है, और जो हमारे घायल लोग हैं उनको बेहतर जो भी उपचार सुविधाएँ वो दी जा रही है। अभी तक तो जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि ये बड़ा जेठा जो कि जेठा यानी कि कमलापुर थाना जो सीतापुर में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। बाकी अभी एक बार जब फाइनल सभी के नाम क्लियर हो जाएंगे उसके बाद उनसे जानकारी की जाएगी कि ये एक ही जगह के रहने वाले थे या नहीं।